हे गाइस वेलकम बैक माय वीडियो। हाँ मैं वही हूँ यार जिसकी तुम इससे पहले आवाज सुन रहे थे। ये है मेरा चेहरा, ये है मेरा सेटअप जो तुम पहले भी देख चुके होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुलोक जिगरा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और जिगरा का ट्रेलर देखने के बाद मैं आपसे सिर्फ दो ही बात कहना चाहूंगा, इस औरत के अंदर इसके पति की आत्मा आ चुकी है। हाँ भाई सच में आ चुकी है, ये मियां बीवी मिलके ना हमें चूतिया बना रहे हैं, काट रहे भाई हमारा। पहले पति ले गया करोड़ों कमा के, एनिमल बना के ले गया हमारे, अब ये जिगरा बना के ले जा रही है हमारे पैसे। मगर मैं बता रहा हूँ मूवी जेन्युइन होने वाली है भाई, क्योंकि आलिया भट्ट की एक्टिंग ना मजा दिलाती है यार, मतलब अच्छी एक्टिंग करती है आलिया भट्ट, क्या समझ रहे हो तुम। तो जिगरा का जो ट्रेलर है उसको देखने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि भाई ये मूवी की कहानी पूरी समझ में आ चुकी है, बस अपने को देखने जानी है। वो सब पता लग गया है कि क्या चल रहा है मूवी के अंदर। आलिया भट्ट का भाई गिरफ्तार हो चुका है दूसरी कंट्री में, आलिया भट्ट उसको छुड़ाएगी कैसे ये दिख रहा है हमें। ये लड़की कुछ भी कर सकती है भाई, वो दूसरे देश में जाके गोलियों से खेल रही है यार, ये हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर लेके घूम रही है भाई। ये एनिमल से बड़ी एनिमल निकलेगी मैं बता रहा हूँ, इससे बच के रहना। ये अपने भाई से मिलने के लिए हाथ की नस काटे पड़ी है, एनिमल नहीं हो रही, ये तो पागल हो रही है भाई, इतना ज्यादा कोई करता है क्या। मगर कुछ भी कहो भाई, जिगरा का ट्रेलर देखने के बाद मजा आ गया मेरे को तो। आलिया भट्ट से यार जो एक्सपेक्ट आप करते हो ना, आलिया भट्ट वो डिलीवर कर देती है आपको। गंगूबाई तो आपने देखी होगी तो समझदार हो तुम। बाकी कोई ये ना सोचे कि इस मूवी की कहानी तो हमें इसके ट्रेलर को देख के पता लग गई तो मूवी क्यों देखे। मैं बता रहा हूँ देखो, रणवीर कपूर ना घर पे आके मारेगा तुम्हारे। वसंत बाला सर के ना काम पे भरोसा रखो यार, मतलब उनका काम देखने के बाद तुम्हें लगता है क्या कि वो हमें निराश कर सकते हैं, बिल्कुल मत सोचना ऐसे। तो मुझे तो आलिया भट्ट का जो न्यू मूवी आ रही है जिगरा उसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं तो इस मूवी को जरूर देखने जाऊंगा, आप भी जरूर देखने जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टाटा बाय बाय।